लड़की, क्या नाम है उसका, आरज़ू, वो रोती हुई आई कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। मुझे उस बेचारे पर तरस आ गया। अब मैं मुंबई में और कोई अस्पताल नहीं जानती, तो मैंने उसको सीधा डॉक्टर खुराना के पास भेज दिया। तो आप बताइए, तकलीफ में किसी की मदद करना क्या गुनाह है जो आप मुझे इतना डांट रहे हैं? आपने मुझे मेरी औकात बता दी। कैसी? नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। अल्लाह कसम, इतनी बेइज्जती से तो बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। अब तो मैं जहर पी लूंगी। कुतियापा, छोड़िए छोड़िए इस बॉटल को। कुतियापा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। छोड़िए इस बॉटल को, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूँ। जिस माँ का बेटा उस पे शक करे, उस माँ का मर जाना ही बेहतर है। कुतियापा छोड़िए। कुतियापा, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे, मैंने आप पर शक किया, माफ कर दीजिए मुझे। आप वादा कीजिए कि आप आज के बाद मुझ पे कभी शक नहीं करेंगे? कुतियापा, आप वादा कीजिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप जानती है ना मेरी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है। माफी। अल्लाह कसम कुतियापा, आप जिंदगी में पहली बार कोई नेक काम करने जा रही थी और देखिए ना, साहिर ने आपको रोक दिया। हाय बेगम, आप बहुत चाहती हैं कि मैं जहर पीऊं, तो ठीक है, आप भी क्या याद करेंगी, आपकी ये बंदी आपके लिए जहर भी पी लेगी। कुतियापा, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, छोड़िए इसे, छोड़िए इसे। फिक्र मत कीजिए बेगम, इसमें जहर नहीं है, और अगर जहर होता तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कुतियापा के सामने जहर भी पानी हो जाता है। ये कुतियापा बड़ी ही कुर्ती चीज है अपने कर्म से। 10 घर आगे की चाल में सोच के चलती हूँ बेगम। वैसे चाल आपने बहुत अच्छी चली थी, लेकिन वो क्या है ना, वो बात सच हो गई कि जहर ही जहर को काटता है। आपने मेरे खिलाफ साहिर के मन में जो जहर भरा था, वो सारा का सारा जहर इस बोतल के जहर ने काट दिया। और कोई तरकश में तीर बाकी है तो निकालिए। अरे निकालिए बेगम, कोई अरमान दिल में बाकी ना रह जाए आपके। हाँ? उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं, क्यों उसके आंसू मुझे बेचैन करते हैं, उसे परेशान देखकर मेरे दिल में तकलीफ क्यों होती है? नहीं, मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।
कैच। दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी को अपनी शौहर की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। शर्फी, कल खुदा जाने क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे हम नहीं कोई और था। ऐसा एहसास पहले कभी भी नहीं हुआ। आज से पहले तो आंसू यूं ही गिर जाया करते थे, कल उनका कंधा मिला तो ऐसा लगा जैसे आंसुओं को ठिकाना मिल गया हो। हमें नहीं पता कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ। कल तो थर्सडे था और थर्सडे को साहिर सर कहीं दूर चले जाते, फिर वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? शायद वो हमारे लिए आए थे, हम ही ने उन्हें अम्मी के बारे में बताया था, शायद इसीलिए वो हॉस्पिटल आए थे। उन्हें हमारी कितनी फिक्र है, वो हमारे लिए हॉस्पिटल आए, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कल आप हमारी अम्मी के लिए हॉस्पिटल आए। I said, go away. सर हम तो थैंक्स कहने आए थे। समझ में नहीं आया तुम्हें? I said, go away. जाओ, जाओ। Thank you.
आरजू, साहिर कमरे में क्या कर रहा है? आरजू, साहिर कमरे में क्या कर रहा है बेटा? जी वो पूल में है। ओह, स्विमिंग कर रहा है। आरजू, उसे स्विमिंग के बाद बहुत भूख लगती है और वो सीधा डाइनिंग टेबल पर आता है। तुम एक काम करोगी, जरा उसके लिए प्लीज खाना लगा दो। आंटी, वो हमें अम्मी के लिए डॉक्टर से बात करनी है। अच्छा, वो डॉक्टर खुराना से? जी। मैं बात करती हूँ, तुम खाना लगा दो। थैंक यू। पानी में चांद का अक्स उतरता है, तो गलती दोनों की होती है ना। अगर हम आपके वजूद पे छा रहे हैं तो आप भी तो हमारे दिल में उतर रहे हैं। मुझे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारी आदत पड़े, क्योंकि कुछ आदतों को छोड़ना अपनी जान देने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। आदत बुरी हो तो छोड़ी जाती है, अच्छी आदतें उम्र भर साथ निभाने के लिए होती हैं। और अब तो जो होना था वो हो गया है सर, अब वो होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या है? सर खाना। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं सर, हमने हमेशा आपको यही खाते हुए देखा है। जानती हूं मैं ये चले हुए टोस्ट क्यों खाता हूं?
तुम मेरे ऑफिस में एक जूनियर डिजाइनर हो, जो काम करने आए हो वो काम करो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ना इस घर में ना ऑफिस में। मेरे कैबिन के सामने से अपना डेस्क हटा देना ताकि मैं तुम्हारी शक्ल ना देख सकूं। और ये आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप खड़ी क्या हो, जाओ यहां से। आखिर हमने किया क्या है जो हमसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं? आखिर हमारी गलती क्या है? साहिर, इसे डॉक्टर खुराना है यार, आपके लिए एक खुशखबरी है। आज आपकी वाइफ ने रिकवरी साइन शो किया है, उन्होंने अपने आंखें झपकाई हैं। इसे गुड साइन, शायद वो ठीक हो रही हैं। कभी हम पर चलाते हैं, कभी हमें बचाते हैं, कभी दूर जाने को कहते हैं और कभी खुद ही करीब आते हैं। पता नहीं हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। अब हम क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। आपको पता है? हाँ। नहीं दादी,
हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा है। आरजू बेटा, तुम अपना दर्द छुपाना भी चाहोगी ना तो छुपा नहीं पाओगी। अरे मैं तुम्हारी दादी हूँ बेटा, तुम्हारी आंखों में पढ़ लेती हूँ, और तुम्हारे दर्द की वजह क्या है मुझे वो भी मालूम है। नौशीन की बीमारी है ना? जी दादी। आरजू नौशीन ठीक हो जाएगी बेटा, कल हम सब चलेंगे हाजी अली दरगाह पे नौशीन की सलामती के लिए चादर चढ़ाने, और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जाना तो हम भी चाहते हैं दादी, पर आप लोग जाइए, हमें ऑफिस जाना होगा। बेटा एक दिन की छुट्टी तो ले सकती हो ना? नहीं ले सकते दादी, और अगर अम्मी को जरूरत पड़ी तो हम ऑफिस से घर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब तुम परेशान नहीं रहोगी, देखना तुम इंशाअल्लाह ताला सब ठीक होगा। इंशाअल्लाह। सीनत कुआं से बाहर आ रही है। जी अम्मी, और अब तक मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया, मुझे अपना वादा पूरा करना होगा जल्द से जल्द। तुम्हें आज भी वो वादा याद है? वादा है मेरा। जिस वादे को पिछले 7 साल से जी रहा हूं उसे भूलूंगा कैसे? इजाजत। कहां जा रहे हो? जीनत से नजरें मिलाने।